प्रशासन की पहल पर रीवा अमरकंटक सड़क निर्माण कंपनी ने साई मंदिर स्थित बेसहारा लोगों को कंबल और दरी का वितरण किया। इस दौरान अपर कलेक्टर शैलेन्द्र सिंह मौजूद रहे। ठेकेदार ने बताया कि प्रशासन के द्वारा जानकारी दी गई थी कि निराश्रित लोगों को दरी कंबल की आवश्यकता है, जिसके बाद अधिकारियों के मार्गदर्शन में 50 दरी और 50 कंबल का वितरण किया गया है। वहीं पूरे मामले को लेकर अपर कलेक्टर शैलेन्द्र सिंह ने कहा कि ठेकेदार को धन्यवाद देते हैं, जिनके द्वारा कलेक्टर कमिश्नर के निर्देश पर गरीबों को कंबल और दरी का वितरण किया गया है, जो कड़कड़ाती ठंड में गरीबों के लिए सहायक होगी। आपको बता दें कि साई मंदिर कोठी कंपाउंड शंकर मंदिर के पास सैकड़ों निराश्रित रहते हैं, जिन्हें कई बार प्रशासन के द्वारा, नगर निगम के द्वारा बनाए गए आश्रय गृहों में भेजने का प्रयास किया गया, लेकिन वृद्ध व्यापारियों के द्वारा दिए जा रहे मदद की लालच के चलते खुले में रात बिताते हैं, जिसके चलते समाज सेवियों के द्वारा वितरित किए गए कंबल कड़कड़ाती ठंड से बचाव के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होते हैं। आइए दिखाते हैं कार्यक्रम को, सुनाते हैं ठेकेदार और अपर कलेक्टर शैलेन्द्र सिंह ने क्या कहा है। रीवा गोविंदगढ़ शहडोल तक जो सड़क निर्माण का 2 लेन का काम चल रहा है, वो हरियाणा की हमारी कंपनी है गावर कंस्ट्रक्शन, उनको मिला है। और मैं आज किसी काम से कलेक्ट्रेट में एडीएम साहब के पास गया था, मैंने वहाँ ये सामाजिक कार्य के बारे में सुना। साहब ने बताया कि कुछ गरीब लोगों को आज शाम को साई मंदिर पर कंबल और दरी वितरित करनी है, तो साहब ने बोला कि आपका सहयोग अगर मिले तो, मैंने उसके तुरंत उसके लिए हाँ कर दिया। और हम लोगों ने फिर आज शाम को ये कार्यक्रम आयोजन किया, हम लोगों ने 50 कंबल और 50 दरी गरीब लोगों को वितरित आज की हैं। और ये सब कार्यक्रम पूरा एडीएम साहब के शैलेन्द्र सिंह जी के नेतृत्व में और डिप्टी कलेक्टर पांडे जी के नेतृत्व में हुआ है, संपन्न हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज गौड़ है। क्या गया, कैसा? हाँ, प्रशासन को इस चीज़ की खबर मीडिया के माध्यम से, जी न्यूज़ की एक खबर के माध्यम से पता चला था कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनको कि ठंड को देखते हुए उनकी सुरक्षा और ठीक ढंग से रहने के लिए कुछ संसाधनों की आवश्यकता है। और जब ये बात सामने आई तो मनोज गौड़ जी, जो कि हमारे यहाँ से रीवा शहडोल राजमार्ग बना रहे हैं, उसके ठेकेदार हैं, उन्होंने यह सहमति व्यक्त की। कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब के सामने ये बात आई थी कि इसमें कुछ करना है, और जब ये बात सामने आई तो इन्होंने आगे बढ़ के खुद ये जिम्मेदारी ली कि मैं इन लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मनोज गौड़ जी को, जिन्होंने कि कलेक्टर साहब का सहयोग करते हुए और जो इन लोगों को कंबल वितरण का कार्यक्रम किया। ये एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है और निश्चित रूप से इनके लिए ऐसी कड़कड़ाती ठंड में ये बहुत सहायक सिद्ध होगा। कितने कंबल बांटे थे? 50 के लगभग कंबल हम लोग लेकर आए थे। 30-40 हितग्राहियों का हम लोग को सूची बताई थी अजय मिश्रा ने, तो उसके हिसाब से हम लोगों ने करीब 40-50 कंबलों की व्यवस्था की।